ये हमारा जो है ना शहर का बाज़ार है, मेन बाज़ार, बड़ा बाज़ार, लेकिन अभी तो बंद है ना, इसीलिए अभी आपको इतना रश नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सारी दुकानें भी बंद हैं। अभी रेस्ट का टाइम है, यानी कि वो बोलते हैं ना क्या, रेस्ट यानी कि तफरी टाइम होया है ना। ये ना इधर का रूल है सऊदी गवर्नमेंट का कि ये ना 12 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, फिर 4 बजे खुलती हैं। ये सारी मार्केट अभी आपको बंद नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपका, ठीक हो, सेहत भी ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं घर की यानी कि खाने पीने की खरीदते हैं वो इतने कितनी महंगी हैं और कितनी सस्ती हैं। तो चले चलते हैं आज आपको दिखाते हैं कि इधर की हम जो चीज़ें अपने घर में खाने पीने की खरीदते हैं वो कितने कितने की, कितने कितने रियाल की मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इधर की करेंसी कैसी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये 500 का नोट, ये है 500 रियाल, इधर का ना 500 रियाल है, ये सबसे बड़ा नोट है सऊदी अरब का, सबसे बड़ा नोट 500 रियाल का। और इसके बाद आ जाता है 200 रियाल, वो भी मेरे पास नहीं है 200 रियाल वाला। और ये इधर का मशहूर मरूख नोट 100 रियाल, ये 100 रियाल का नोट है इधर का, ये पाकिस्तान सऊदी अरब का मियाँ रियाल है, 100 रियाल का नोट है। और इसके बाद आ जाता है 50 रियाल, ये 50 रियाल का नोट है, ये इधर का 50 रियाल है। और ये वाला जो है इसके बाद आ जाता है 20 रियाल वाला, वो भी मेरे पास नहीं है अभी 20 रियाल वाला, ये आ गया 10 रियाल, ये 10 रियाल है इधर का। और इसके बाद आ जाता है इधर का 5 रियाल, ये जो है ना 5 रियाल वाला नोट, ये सेम यूरो की तरह है, जैसे यूरो होता है ना प्लास्टिक का नोट, ये भी प्लास्टिक का ही है। दूसरा भी होता है इधर, दो किस्म के नोट हैं, ये जो है ना 5 रियाल वाले जो है ना, ये दो किस्म के नोट होते हैं, ये वाला जो है ये प्लास्टिक वाला है, और एक इसमें होता है दूसरा यानी कि जो सादे नोट है ना कागज़ के उसके तरह था ये, लेकिन ये वाला जो है ये प्लास्टिक का नोट है, इसे पानी में डुबो जिधर मर्जी डुबो ये ख़राब नहीं होगा, ये 5 रियाल का। और इसके बाद अच्छा आ जाता है 1 रियाल का, ये है 1 रियाल इधर का, ये 1 रियाल का नोट है, ये सबसे छोटा नोट ये है और सबसे बड़ा नोट ये है 500 रियाल का, ये सबसे बड़ा नोट है इधर का। और इसके बाद आ जाते हैं सिक्के, ये 2 रियाल वाला सिक्का है, ये 2 रियाल है। और इसके बाद आ जाता है 1 रियाल वाला सिक्का, और ये है इधर का 1 रियाल। और इसके बाद आ जाता है नुस रियाल यानी कि आधा रियाल, ये है आधा रियाल इधर का। और इसके बाद आ जाता है रुपा यानी कि 25 हलाले, ये वो 50 हलाले थे, ये 25 हलाले हैं। और चले चलते हैं अभी आपको जाके दिखाते हैं कि इधर की जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कितनी महंगी हैं और कितनी सस्ती हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ये शॉप पे, सब्ज़ी वाली शॉप पे भी जा रहा हूँ, और जो बोलते हैं ना पाकिस्तान में करियाने की दुकान पर, करियाने की दुकान पर भी जा रहा है। तो जाके तुम दिखाने कि इतने करियाने का की हिसाब था, तो सब्ज़ी वाली दुकानों का की हिसाब था। चले चलते हैं, लेट्स गो। अभी मैं आ गया हूँ इधर बाज़ार में, ये हमारा जो है ना शहर का बाज़ार है, मेन बाज़ार, बड़ा बाज़ार, लेकिन अभी तो बंद है ना, इसीलिए अभी आपको इतना रश नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सारी दुकानें भी बंद हैं। अभी रेस्ट का टाइम है, यानी कि वो बोलते हैं ना क्या, रेस्ट यानी कि तफरी टाइम होया है इन्हा। ये ना इधर का रूल है सऊदी गवर्नमेंट का कि ये ना 12 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, फिर 4 बजे खुलती हैं। ये सारी मार्केट अभी आपको बंद नज़र आ रही है। अभी मैं भी इधर गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में, ये भी पार्किंग में गाड़ी लगा दी। अच्छा जी, तो ये है इधर की सब्ज़ी मंडी, ये जैसे मार्केट होती है ना, ये मार्केट टाइप की सब्ज़ी मंडी है इधर। ये सारी जो है ना इधर, ये सब्ज़ियों की दुकानें हैं, ये मार्केट है पूरी सब्ज़ियों की। ये हमने ये मिर्चें ली हैं, 5 रियाल की आई हैं तकरीबन, ये 1 पाव मिर्चें हैं 1 पाव। और ये इधर गाड़ी में रखते हैं इनको। आला इधर अली का बकाला, ये हमारे इधर का ना ये सबसे मशहूर और मरूफ बकाला है अली का। ये 34 और ये 32, ये ऊपर ये मलाइयाँ मलुइयाँ लगी हैं, ये 10 रियाल की, ये 8 रियाल की है, ये अलमराई वालों की है ना, अलमराई एक ब्रांड है। Thank you.
ماشاءاللہ. ہاں یہ ہے، یہ 7 ریال کے بریانی مسالہ. یہ نوڈلز پڑے ہیں، یہ 1 ریال کے، 1 ریال کا نوڈلز. لینا ہے آٹا. آٹا آٹا کتے وے آٹا، یہ ہے آٹا. تو این بور فخر، یہ چاول لگے ہیں اور یہ چینی ہے. یہ 23 ریال کی ہے، 5 کلو. یہ ہم آٹا لے کے آئے ہیں. یہ ایک جو ہے نا، یہ 10 کلو کا ہے، یہ 10 کلو کا بیگ ہے. ایک یہ دو بیگ لیے ہیں، ایک بیگ 13 ریال میں ملا ہے، 13 اور 13 26 ریال میں دونوں بیگ ملے ہیں. اور یہ مرچیں جو ہے نا، یہ تقریباً ایک پاؤ ہے، یہ پائیا مرچیاں 5 ریال دیا ملی ہیں. یعنی کہ پاکستانی 300 سوا 300 روپے دیا مرچیاں نہیں آیا، یہ نہیں آیا کچھ نہیں. یہ 26 ریال کے دو بیگ ہیں، 13 ریال کا ایک ہے. ابھی سامان تو میں نے اور زیادہ بھی لینا تھا، لیکن وہ پھر دوسرے لڑکے کو فون کر کے پوچھا، لیکن وہ بولا ابھی سامان سارا ہے، تم آٹا لے آؤ اور مرچی لے آؤ. یہ ہم نے یہ سامان لے لیا ہے. اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، نئے مزیدار ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.